तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। सोचते होंगे कि हम अपनी इस टिक चैनल पे कॉमेडी क्यों चला रहे हैं। दोस्तों इसकी बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि आप उस कॉमेडी करते हुए लड़के को जो देखे हैं उसका नाम है मुकेश, और वो मुझे देख के ही अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। और वो भी चाहता था कि जो छोटे यूट्यूबर कॉमेडी करके बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर और नाम फेमस हो गए हैं, जिन वैसे वैसे यूट्यूबर बने हैं, वैसा ही हम कुछ यूट्यूबर बनना चाहते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अपना चैनल खोला था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल वो बहुत निराश था और मेरे पास आया और बोला, भैया मैं अपना चैनल बंद करना चाहता हूं। मैंने पूछा, भाई क्यों बंद करना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि भैया मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना अच्छा वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन ना मुझे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं और ना ही मुझे कोई वॉच टाइम मिल रहा है, और मैं निराश हो चुका हूं। और सच पूछिए तो मैंने उसके चेहरे को देखा, वो पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ था, और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद YouTube जो है कि वो कुछ नहीं करेगा उसके लिए, या YouTube पे वो कुछ नहीं कर सकता है, और इसकी आमदनी भी बहुत कम है, जिस वजह से वो किसी भी तरह से अपने लाइफ को स्ट्रगल करके जीता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां पे आप एक लिंक खोले, वहां से आपको एक वीडियोस मिलेगी जो आपको उसको डायरेक्ट चैनल पे पहुंचा देगी। वहां पे जाकर उसके चैनल को देखिए, उसके टैलेंट को देखिए, और ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप उसको कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों अगर उसका टैलेंट अच्छा है और वो अच्छी वीडियोस बनाता है और अच्छे आपके लिए कुछ करता है, तो दोस्तों प्लीज जाके आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको वीडियोस को वॉच कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में यूट्यूब का वो एक सितारा बन के उभरे। तो दोस्तों मुझे उसका टैलेंट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ उसमें कुछ दम है, और आप बस उसका हौसला अफजाई कीजिए। जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप चैनल पे विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए उनकी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है कि आपके लाइक और शेयर करने से किसी का भला हो जाए। दोस्तों हमारे साथ हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही बोलते रहिए, भारत माता की जय।